अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त शान इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हैं, जहाँ पर न्यू फैक्ट्री इनॉग्रेशन की तकरीब हो रही है और यहाँ पे चीफ गेस्ट जो आए हैं वो एडशे इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट फारूक महबूब साहब आए हैं। हमें मौका मिला है फारूक महबूब साहब से बात करने का और इनके कमेंट्स लेने का। हम इनसे इस तकरीब के हवाले से भी जानते हैं और क्या कमेंट्स हैं इनके फैक्ट्री के हवाले से। सर, प्लीज़ बताइएगा। मैंने ये फैक्ट्री देख के बहुत मैं इम्प्रेस हूँ इस फैक्ट्री की कैपेबिलिटीज से, इसकी सफाई से और इसकी प्रोडक्ट रेंज से। मेरा अपना ये ख्याल है कि 95% एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो है वो इस फैक्ट्री में पूरी रेंज की बन सकती है और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस मरहले में से हम गुज़र रहे हैं, जिस दौर में से गुज़र रहे हैं, जबकि हमें ख़ुद चीज़ें बनानी पड़ेंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये फैक्ट्री के जो लोग हैं, जिनकी ये फैक्ट्री है, और अहमद रिजवान साहब यहाँ मेरे साथ हैं, इन्होंने जो काम किया है, ये पाइनियर्स होंगे इस बिज़नेस के। और मेरा इनसे मशवरा ये है कि आप जल्द अज़ जल्द इस फैक्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ा लें, क्योंकि हमारे मुल्क में हमें सब चीज़ें ख़ुद बनानी पड़ेंगी। और दूसरी ये करें कि बाहर एक्सपोर्ट की भी सोचें कि ये हमारी चीज़ें बाहर जाएँ, हम ज़रा मुबादला अर्न करें और एट द सेम टाइम हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। बहुत इम्प्रेस हुआ सर इससे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मुल्क के हालात हैं और इम्पोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है, तो उसके हवाले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है एक मौका मिला है अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने का, और इसी में इस तरह से शान इंडस्ट्रीज़ ने भी जिस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के इंडस्ट्रीज को? मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत सुनहरी मौका मिला है, अल्लाह ताला ने दिया है। हर मुश्किल के पीछे रब जो है वो कोई ना कोई भलाई रखता है। हम लोग समझते हैं हमारे ऊपर अजाब आया है, कोई और दरवाज़ा खुलता है। ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। हम बरसों से यहाँ ट्राई करते रहे हैं इस मुल्क में लोकल प्रोडक्शन को फ़रोग दें, मगर हम कभी भी इम्पोर्ट के दरवाज़े नहीं बंद कर सके। हमारी सोसाइटी जिसमें हम सब मेंबर्स हैं, बे इंतहा हमने कोशिश की सालों साल से कि जी पाकिस्तान में इनक्रेज करें, मगर इम्पोर्ट के जब दरवाज़े खुले रखते थे तो कुछ नहीं होता था। तो मैं अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ा अच्छा सुनहरी मौका आया है, इस मौके से हमारी इंडस्ट्री बहुत डेवलप करेगी। अच्छा सर, ये भी एक खुशनसीबी है कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक इंटरनेशनल एशिया के प्रेसिडेंट हैं आप, और आप इस सिलसिले में यहाँ की इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट देंगे सर, इसके बारे में बताएँ। देखें सर, बात यह है कि सपोर्ट आप जो मुझसे चाहते हो मैं ज़रूर दूँगा, पैसे से मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना। जो नॉलेज मेरे पास है, जो मशवरा मैं दे सकता हूँ, वो मुशावरत मैंने हमेशा दी है और हमेशा देता रहूँगा। और कुछ मेरे आइडियाज़ हैं जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है, आई विल सर्टनली शेयर विद देम। हम ऐशरे के अंदर एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, जहाँ हमारा इंटेंशन है कि हम इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करके एक थिंक टैंक बनाएँ और हमारे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर डिलिबरेट करें और सही मशावरत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एशिया के फारूक महबूब साहब थे और इन्होंने डिस्कशन की इस फैक्ट्री के हवाले से भी और यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर को किस तरह से आगे आना चाहिए इसके हवाले से भी। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।